Welcome. Good morning, all DMIT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का जो लेक्चर है आपका किसके ऊपर है, यूरिया साइकिल के ऊपर। किस तरीके से अपन क्या है अमोनिया जो है NH3 या NH4 उसको किस तरीके से अपन क्या है यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अपन शुरू करने से पहले एक बार क्या है पिछले का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जो किसके ऊपर था, डिएमिनेशन के ऊपर। देखिए कि डीएमिनेशन क्या है, डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ NH3 इज द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज अमाइनो एसिड। क्या है डीएमिनेशन, क्या है कि अमाइनो ग्रुप का बाहर निकलना कहां से, अमाइनो एसिड से, किस फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में, इसे वो क्या बोलते हैं अपन डीएमिनेशन बोलते हैं। एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन आर कॉल्ड डीएमिनेशन। और जो रिएक्शन इस एंजाइम को कैटलाइज करता है यानी जो इस एंजाइम इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है उसी को क्या बोलते हैं अपन डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द ह्यूमन बॉडी डीएमिनेशन टेक प्लेस प्राइमरली इन द लीवर, हाउएवर इट कैन आल्सो अकर इन द किडनी। और जो डीएमिनेशन की जो प्रोसीजर है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां पे होती है, लीवर के अंदर होती है। और हाँ कुछ टाइम पे क्या है कुछ कंडीशन के अंदर क्या है ये किडनी के अंदर भी हो जाती है, डीएमिनेशन की कंडीशन में। तो नीचे देखिए कि डीएमिनेशन के अंदर क्या होता है कि अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कीटो एसिड के अंदर। और साथ में क्या बाहर निकलता है, अमोनिया बाहर निकलता है। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, डीएमिनेशन एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट देखिए, इन द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड एंड अमोनिया। उस डीएमिनेशन के प्रोसीजर में क्या बनता है अपना, एक तो अमोनिया बनती है और एक क्या बनता है कीटो एसिड बनता है, ये दोनों कंपाउंड बनते हैं। नेक्स्ट, NH3 यानी अमोनिया इज यूज बाय यूरिया साइकिल। और जो अमोनिया है वो किस चीज के अंदर काम में ली जाती है, यूरिया साइकिल के अंदर काम में ली जाती है। यानी किस चीज को बनाने के लिए अमोनिया, किस चीज को बनाने के लिए काम में लिया जाता है, यूरिया को बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। डीएमिनेशन में भी हाइड्रो ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। और जो डीएमिनेशन का जो प्रोसीजर है वो एक तो ऑक्सीडेटिव और एक नॉन ऑक्सीडेटिव यानी दो स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है अमोनिया ग्रुप का बाहर निकलना, उसे को क्या बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं। तो द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो एसिड कपल्ड विद ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। यानी द रिमूवल ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया का बाहर निकलना फ्रॉम यानी किससे, अमाइनो एसिड से, कपल्ड विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की साथ में, ऑक्सीजन से मिलके क्या अमोनिया का बाहर निकलना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ये जो प्रोसीजर है स्टेप है उसको क्या बोलते हैं अपन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लीवर एंड किडनी। ये जो प्रोसीजर है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का वो कहाँ पे होता है, लीवर और किडनी के अंदर होता है। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूज्ड। और ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसीजर है इस स्टेप में कौन सा एंजाइम काम में आता है, तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट, दिस एंजाइम इज यूनिक इन दैट कैन यूटिलाइज NADPase एज ए कोएंजाइम।
पर ये जो एंजाइम है यानी ग्लूटामेट की हाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो यूनिक है, वो एनएडीपीएस को क्या है काम में ले लेता है और को एंजाइम ए को भी काम में ले लेता है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज टू प्रोवाइड अमोनिया फॉर यूरिया साइज यूरिया सिंथेसिस। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का क्या पर्पस है कि अमोनिया प्रोवाइड करवाना किस चीज के लिए, यूरिया सिंथेसिस के लिए, यानी यूरिया को बनाने के लिए अमोनिया को प्रोवाइड करवाना है। एंड कीटो एसिड फॉर ए वैरायटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। और जो कीटो एसिड का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं अपन, जो कीटो बनता है यानी कीटो एसिड जो बनता है अमोनिया के साथ में वो क्या है एनर्जी जनरेशन के रूप में काम में ले लिया जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम क्या है कि डीएमिनेशन में काम में आता है, वो एंजाइम की रोल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसएमिनेशन अमाइनो ग्रुप ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड आर ट्रांसफर टू अल्फा कीटोग्लूटामेट टू प्रोड्यूस ग्लूटामेट। यानी क्या है कि ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो एसिड का वो किसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, अल्फा कीटोग्लूटामेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, जो किस चीज को प्रोड्यूस करता है आगे ग्लूटामेट को प्रोड्यूस करता है। दिस ग्लूटामेट सर्व एज ए कलेक्शन सेंटर यानी कलेक्शन सेंटर फॉर अमाइनो ग्रुप इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये जो ग्लूटामेट है वो किस तरीके से काम करता है, कलेक्शन सेंटर के रूप में काम करता है अमाइनो ग्रुप को बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, ग्लूटामेट रैपिडली अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और ये जो ग्लूटामेट किससे फॉर्म हुआ था, ट्रांसएमिनेशन से जनरेट हुआ था बना था, वो किसके अंदर चला जाता है रैपिडली यानी जल्दी से किस में चला जाता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर चला जाता है। और ये जो रिएक्शन है इसके द्वारा कैटलाइज की जाती है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा टू लिबरेट एनीमिया, जो क्या जनरेट करता है अमोनिया को जनरेट करता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू अल्फा कीटो ग्लूटामेट अगर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट अल्फा कीटो या अल्फा अमाइनो ग्लूटामेट। और ये जो ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटामेट का जो बनने का प्रोसीजर है उसके बीच में क्या है कि इंटर कन्वर्जन रिएक्शन आती है जिसको क्या बोलते हैं अपन अल्फा अमीनो ग्लूटामेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। साथ में क्या हो रहा है कि अमोनिया फॉर्म हो रहा है और एक एनएडीपीएस या एडीपी क्या है काम में ली जा रही है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमाइनो एसिड, यानी तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय अमाइनो एसिड ऑक्सीडेट। यानी तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसीजर है वो अमाइनो एसिड ऑक्सीडेट एंजाइम की प्रेजेंस में। तो देखिए एन अमाइनो एसिड ऑक्सीडेट एंड डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेट आर क्लेव प्रोटीन, यानी एन अमाइनो एसिड ऑक्सीडेट जो प्रोसीजर है और डी अमाइनो एसिड जो ऑक्सीडेट है वो दोनों ही क्या प्रोटीन क्लेव प्रोटीन है जो क्या रखते हैं पोजेसिंग यानी रखते हैं एसएमएन एंड एसएडी रिस्पेक्टिवली, जो दोनों क्या रखते हैं एसएमएन और एसएडी रखते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट ऑन कोरिस्पोंडिंग अमाइनो एसिड एल और डी टू प्रोड्यूस अल्फा कीटो एसिड अमोनिया। और जो एसएमएन एंड और एसएडी है वो दोनों ही क्या सिमिलर अमाइनो एसिड पे यानी एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड के ऊपर रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं अल्फा कीटो एसिड और अमोनिया फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, द एक्टिविटी ऑफ एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इज मच लो बिकॉज़ दैट ऑफ डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज इज हाई इन द टिश्यू। तो जो एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज की जो कैपेसिटी है वो क्या है हाई है किसकी कंपेरिजन में, सॉरी वो क्या है लो है कम है किसकी कंपेरिजन में, डी अमाइनो ऑक्सीडेज
के कंपेरिजन में। अरे डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेंट जो है वो टिश्यूज के अंदर क्या है, वो लिवर और किडनी के अंदर क्या है, मोस्टली इफेक्टिव रहता है, यानी जल्दी अमोनिया को जनरेट करता है। नेक्स्ट देखिए कि क्या है, एल अमाइनो एसिड है जो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, एफ एम एन के द्वारा, और डी अमाइनो एसिड किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, एफ ए डी के द्वारा। तो एल अमाइनो एसिड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेट प्लस अमोनिया के अंदर, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज के अंदर, जिसके अंदर एफ एम एन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एफ एम एन एच टू के अंदर, और एफ एम एन एच टू वापिस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एफ एम एन के। तो डी अमाइनो एसिड किसके अंदर डिपेंड है, एफ ए टू के, एफ ए डी के ऊपर डिपेंड है, जिसके अंदर क्या है डी अमाइनो ऑक्सीडेज किसको, जो एंजाइम है वो डी अमाइनो एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटेट प्लस अमाइनो एसिड के, यानी अमोनिया ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेटर, सम ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी डीएमिनेटेड टू लिबरेट अमोनिया विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीडेशन के अंदर जाए ही क्या है, अमोनिया ग्रुप को बाहर लिबरेट कर देते हैं। तो अमाइनो एसिड डिहाइड्रेशन, यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो किस पे डिपेंड करते हैं, डिहाइड्रेशन एंजाइम पे डिपेंड करते हैं। तो सेरीन, थ्रियोनिन एंड हाइमोसेरीन आर हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड, यानी सेरीन, थ्रियोनिन और हीमोसेरीन जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड है। दे अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, वो क्या है, किसके अंदर चले जाते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के अंदर चले जाते हैं, जो किसके द्वारा कैटलाइज किए जाते हैं, डिहाइड्रेटेड एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किए जाते हैं, जो किसके अंदर डिपेंड है, जो किसके ऊपर डिपेंड है, पाइरोडॉक्सी फॉस्फेट के ऊपर डिपेंड है। तो नीचे देखिए, सेरीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरीके से क्या है, सेरीन, थ्रियोनिन और हीमोसेरीन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बाहर क्या निकाल देते हैं, अमोनिया ग्रुप निकाल देते हैं, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटेड एंजाइम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट देखिए, अमाइनो एसिड डी सल्फेट एसिड, तो इसमें देखिए द सल्फर अमाइनो एसिड अमोनिया ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। सिस्टीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, डी सल्फो हाइड्रेशन एंजाइम काम में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, डीएमिनेशन ऑफ हिस्टिडीन, तो हिस्टिडीन का जो डीएमिनेशन क्या है, द एंजाइम हिस्टिडेज एक्ट ऑन हिस्टिडीन टू लिबरेट एनएसपी यानी अमोनिया बाय ए नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन प्रोसेस। ये जो हिस्टिडीन है उसके ऊपर हिस्टिडेज एंजाइम क्या एक्ट करता है, और जब क्या प्रोड्यूस करता है, अमोनिया प्रोड्यूस करता है, किस पाथवे से, नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे से। देखिए, हिस्टिडीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, यूरोकोनिटेट में या फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया, अमोनिया क्या है, बाहर निकल रही है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हिस्टिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। आज के लेक्चर में आपका क्या है, आज के लेक्चर में आपका क्या है, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इज ए साइक्लिक को साइकिल ऑफ बायोमोलिक्यूल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया, यानी यूरिया साइकिल क्या है, बायोमोलिक्यूल प्रोसेस है, बायोमोलिक्यूल रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या है, यूरिया प्रोड्यूस होता है, यूरिया बनता है किससे, फ्रॉम अमोनिया यानी अमोनिया से। नेक्स्ट, दिस साइकिल अकरिंग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोसेस है यूरिया साइकिल वो किसके अंदर अकर होती है, किसके अंदर पॉसिबल होती है, तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जीव के अंदर जो क्या है, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं बाहर यूरिन के अंदर। अमोनिया विच इज वेरी टॉक्सिक इन ह्यूमन इज कन्वर्ट टू यूरिया विच इज नॉन टॉक्सिक, वेरी सोल्यूबल एंड रेडियली एक्सक्रीट बाय द किडनी। देखिए, अमोनिया विच इज वेरी टॉक्सिक इन द ह्यूमन, तो अमोनिया जो है वो क्या है, बहुत टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, किसके अंदर,
ह्यूमंस के अंदर, और प्रोटीन के डाइजेशन के लास्ट में क्या बनती है, अमोनिया बनती है जो क्या है टॉक्सिक है, विच इज नोन विच इज कन्वर्टेड इन टू यूरिया, और अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं विच इज नॉन टॉक्सिक, जो कहती है नॉन टॉक्सिक यानी अजहरीली है यानी जहरीली नहीं है, और जो क्या है सोल्यूबल है घुलनशील है एंड रैपिडली एक्सक्रीट बाय द किडनी, और यूरिया को क्या है जल्दी से अपनी ह्यूमन बॉडी की किडनी क्या कर देती है एक्सक्रीट कर देती है बाहर निकाल देती है। यूरिया साइकिल क्या है, एक बायो मॉलिक्यूल प्रोसीजर है जिसके अंदर अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ये जो प्रोसीजर यूरिया साइकिल वो किसके अंदर होती है, यूरोकोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, और अमोनिया क्या है जहरीला कंपाउंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसीलिए उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को, और ये जो क्या है यूरिया क्या है नॉन टॉक्सिक कंपाउंड और जिसको क्या है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है किडनी। उनके अंदर क्या है यूरिया कितने परसेंट यानी कितने ग्राम एक्सक्रीट की जाती है प्रतिदिन में 30 ग्राम, और जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है कितने परसेंट होती है 90 परसेंट होती है। नेक्स्ट यूरिया इज फॉर्मड इन द यूरिया साइकिल फ्रॉम NH4 यानी अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑफ एस्पार्टेट, यानी यूरिया किससे बनती है यूरिया साइकिल में, तो सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एस्पार्टेट से बनती है जो क्या है नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। दिस साइकिल मेनली अकर इन द लीवर, और जो यूरिया साइकिल है वो मेनली किसके अंदर चलती है लीवर के अंदर चलती है। और ये जो रिएक्शन है
यानी कार्बन में फॉस्फेट का बनना है, यानी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का जो जुड़ना है वो कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तो कार्बन में फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में। एंड फॉर्म जो क्या बनाते हैं कि कार्बन में फॉस्फेट बनाते हैं, और एंजाइम कौन सा काम में आता है, एंजाइम कार्बन में फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट काम में आता है विच इज लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड इज एक्टिवेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट, और जो एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के द्वारा एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, दिस स्टेप कंज्यूम 2 ATP एंड इज इरिवर्सिबल एंड रेट लिमिटिंग स्टेप, और जो है यानी कार्बन ऑयल फॉस्फेट का बनना जो स्टेप है वो क्या है, इरिवर्सिबल होती है, विपरीत यानी वापिस क्या है हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, और जो कहती है रेट लिमिटिंग स्टेप है जो किसके द्वारा होती है, और इसके अंदर क्या है, दो मॉलिक्यूल ATPs के क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, काम में लिए जाते हैं। नीचे रिएक्शन में देखिए कि अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहे हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट बना रहे हैं, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसके अंदर दो ATPs क्या होते हैं, यूज होती है, और ये जो एंजाइम है वो किसके अंदर, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ सिट्रोलिन, सिट्रोलिन किस तरीके से बनता है यूरिया साइकिल के अंदर, तो ये स्टेप क्या है, ये सेकंड है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ने मिलकर कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम फर्स्ट की प्रेजेंस में क्या बना लिया था, कार्बामोइल फॉस्फेट बना लिया था। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि कार्बामोइल फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट होता है। स्टेप सेकंड में देखिए, इन दिस स्टेप ऑर्निथिन रिएक्ट विद द कार्बामोइल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रोलिन इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज, यानी क्या है कि स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, इन दिस स्टेप यानी स्टेप में क्या होता है, ऑर्निथिन रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बामोइल फॉस्फेट के अंदर, ऑर्निथिन किसके साथ काम करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जो क्या फॉर्म करता है, सिट्रोलिन, और इसके अंदर क्या होता है कि इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट इज रिलीज, अकार्बनिक जो फॉस्फेट है वो क्या हो जाती है इस रिएक्शन में, रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है। एंजाइम कौन सा काम में आता है इस रिएक्शन में, तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज विच इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑर्निथिन यानी क्या है, ऑर्निथिन किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जो क्या फॉर्म करता है, सिट्रोलिन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट सिट्रोलिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल इन एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्निथिन, और ये जो प्रोडक्ट है सिट्रोलिन जो आपने फॉर्म किया है वो किसके अंदर चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, तो किसके साथ एक्सचेंज हो जाता है, आगे ऑर्निथिन के साथ एक्सचेंज हो जाता है। नीचे रिएक्शन में देखिए, कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेट एंजाइम की प्रेजेंस में। ये क्या है स्टेप सेकेंड, तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस एंजाइम फर्स्ट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुए थे, कार्बामोइलेज फर्स्ट कार्बामोइल फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुए थे। स्टेप सेकंड में क्या होता है, कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस में ऑर्निथिन इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रोलिन के अंदर, एंजाइम कौन सा काम में आता है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट,
देखिए सिंपल चीज ऑफ आर्जिनल सक्सीनेट, यानी किसका बनना, आर्जिनल सक्सीनेट का बनना। ये क्या स्टेप पार्ट है किसके अंदर, यूरिया साइकिल के अंदर। इन दिस रिएक्शन सिट्रोलिन कंबाइन विद द एस्पार्टेट टू फॉर्म आर्जिनल सक्सीनेट इन ए रिएक्शन दैट इज ड्राइवन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एएमपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फो इन पाइरोफॉस्फेट। यानी ये जो स्टेप है जिसके अंदर क्या होता है कि सिट्रोलिन किसके साथ कंबाइंड होता है एस्पार्टेट के अंदर, जो क्या फॉर्म करता है आर्जिनल सक्सीनेट फॉर्म करता है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन आर्जिनल सक्सीनेट सिंथेसिस, और वो एंजाइम कौन सा है जो इस रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है वो उसका नाम क्या है, आर्जिनल सक्सीनेट सिंथेसिस। और ये जो रिएक्शन है यानी आर्जिनल सक्सीनेट का बनना जो प्रोसेस है यूरिया साइकिल में, वो कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सिट्रोलिन प्लस में एस्पार्टेट किस में कन्वर्ट होते हैं, आर्जिनो सक्सीनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। यानी सिट्रोलिन प्लस एस्पार्टेट साइटोप्लाज्म के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आर्जिनो सक्सीनेट के अंदर। एंजाइम कौन सा काम में आता है, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। यूरिया और वापस क्या बनाती है, ऑर्निथिन, जो सेकंड स्टेप में काम में आता। द
जो है आपका वो किसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा, यूरिया साइकिल के ऊपर है। थैंक्स टू ऑल।